गैनी गुलाब भाई बहन ने जोड़ी एकलो कमाल करसे बनासकाठा में। एकला गैनी गुलाब ने जोड़ी ने आ वक्त समग्र जनता सर्व समाज ने जोड़ी आ वक्त बनास ने बेन गैनी बेन ने जीतारी ने संसद में मोकलसे। यही नहीं पूरे देश में कोई वो लोकल जो कैंडिडेट खड़ा है उसके नाम से कोई वोट ही नहीं मांग रहा तो क्या सबके सुख दुख में आएंगे मोदी जी? माहौल कैसा है यहाँ पे? एकदम बढ़िया है। इस बार रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से वैभव गहलोत जी जीतेंगे, बाउले वोट बैंकें। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने आपको उतार कर भूमि राजपूत साधने की कोशिश की? टाइम आया जब समाज को और मुझे खुद को भी राजनीतिक तौर पे उनकी जरूरत थी तब भी उन मेरे साथ खड़े रहे थे। समाज ने बीजेपी को खड़ा किया। कल भीनमार में रैली थी तो आम राजपूत समाज का कोई बंदा स्टेज के आसपास भी नहीं था। वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लूमाराम चौधरी को सामने टिकट दिया है, दोनों के बीच में किस तरह से मुकाबला देखते हो? जब चुनाव आए तब भी बीजेपी वाले कह रहे थे हम 5 लाख से चुनाव जीतेंगे। जब वैभव गहलोत जी का टिकट हुआ तो कह रहे थे हम 1 लाख वोट से जीतेंगे। और आज जब चुनाव चल रहा है तो क्या टक्कर है। गुलाब सिंह जी गुजरात की विधानसभा में कब दिखाई देंगे? जब गुजरात के लोग चाहेंगे तब वापस आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियों के साथ साथ रणनीति शुरू कर दी है। अशोक गहलोत ने पूरी तरह से जालौर सिरोही की चुनावी कमान संभाल रखी है। अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात के दो नेताओं को यहाँ बुलाया गया है, विशेष करके कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई और थराद विधानसभा सीट से पूर्व विधायक गुलाब सिंह को यहाँ बुलाया गया है और यहाँ वो प्रचार कर रहे हैं और वैभव गहलोत के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है गुलाब सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत। पहला सवाल, गहलोत साहब ने आपको जिम्मेदारी दी है जालौर सिरोही लोकसभा सीट की, यहाँ पर आप चुनाव कैंपेन कर रहे हो, यहाँ पर कैसा कांग्रेस का माहौल है? आपने यहाँ पे फीडबैक भी लिया, आपने कई रैलियों को भी संबोधित किया, यहाँ पे कैसा माहौल है कांग्रेस पार्टी का? देखिए 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब लोगों को एक नई आस थी, नई मतलब ऐसी नई राजनीति की उम्मीद थी उनके पास। फिर मोदी जी आएंगे तो ये करेंगे, उनके जो वादे थे, मगर उसके 10 साल हो गए। उनमें से ये जालौर लोकसभा में पिछले 3 बार से देवजी भाई पटेल यहाँ से एमपी रहे, लगातार वो जीतते रहे और चौथी बार भी जब टिकट दिया गया तो कोई ऐसा कोई लोगों की उम्मीद नहीं है कि बीजेपी से के काम करेगा, क्योंकि पिछली बार जैसे 10 साल से तो बीजेपी की सरकार थी तब भी इस क्षेत्र के नदी का माही नदी का परियोजना की बात हो, चाहे प्रवासी लोगों को राजस्थान आने जालौर सिरोही में आने के लिए जो रेलवे नेटवर्क की बात हो, कई मुद्दा हमें दिख नहीं रहा कि जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार हो और इस एरिया का कोई विकास ऐसा हुआ कि लग नहीं रहा। गहलोत साहब की जैसे हमारे गुजरात में 25 साल से बीजेपी की सरकार है, यहाँ 5 साल गहलोत साहब की सरकार थी, तो 5 साल में जो काम हुआ वो हमारे यहाँ 25 साल में नहीं हुआ। हमारे यहाँ गुजरात के अंदर यहाँ राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार थी तो 25 लाख रुपया आरोग्य हेल्थ का कवर था, बीमा था, तो गुजरात में अभी 5 से 10 किया है। गुजरात में गैस सिलेंडर 1000 रुपये के आसपास मिलता है, यहाँ कांग्रेस की सरकार में 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा था। यहाँ किसान हो, मजदूर हो, मनरेगा योजना हो, सिटी के लिए जो बनाया हो, जो लोगों को लाभ देने ओपीएस यहाँ लागू, पूरे देश में पहला राज्य ये था लागू किया है, तो ये सारे योजनाओं के मुद्दे जो गहलोत साहब ने जो सरकार में बने थे वो लेके यहाँ पे प्रचार हो रहा है। बीजेपी के पास 15 साल के एमपी रहे, कुछ ऐसे ठोस मुद्दे नहीं है जो जिनके साथ लोगों के पास जा सके, वो सिर्फ एक मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। यहाँ किसी को कुछ काम होगा तो मोदी जी को तो आएंगे नहीं, जो होगा लोकल सांसद आएगा वो काम करेगा। कोई कैंडिडेट के नाम से, बीजेपी के कैंडिडेट के नाम से कोई वोट ही नहीं मांग रहा। यही नहीं पूरे देश में कोई वो लोकल जो कैंडिडेट खड़ा है उसके नाम से कोई वोट ही नहीं मांग रहा तो क्या सबके सुख दुख में आएंगे मोदी जी? या कुछ भी काम होगा किसको फोन करेगा? जिसको पता ही नहीं होगा क्या काम करना कहाँ हूँ, वो 5 साल तो ऐसे निकल जाएंगे काम काज सीखते हुए। और ये वैभव जी खास तौर पे युवा है, भाग सकेंगे
और उनके परिवार के जो राजनीति रिश्ते उस वजह से कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास के लिए जैसे बूटा सिंह के टाइम पे जो रेलवे आई या जो भी योजनाएं बनी उसी तरह तौर पे यहाँ पे वैभव गहलोत जी आने के बाद सांसद बनने के बाद सारी योजनाओं के लिए संसद में भी आवाज उठाएंगे। केंद्र में जैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी यहाँ का जो रेलवे का जो इशू है प्रवासियों के लिए उसके लिए भी मजबूती से आवाज भी उठाएंगे उसका समाधान भी लाएंगे। माहौल कैसा है यहाँ पे? एकदम बढ़िया है। इस बार रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से वैभव गहलोत जी जीतेंगे क्योंकि कोई एक वर्ग नहीं है यहाँ पे। जैसे बीजेपी में जहाँ टिकट मिली है वहां सिर्फ एक ही वर्ग दिखता है और यहाँ पे 36 कौम दिखती है। यहाँ आज सभाएं होती है तो 36 कौम की पगड़िया होती है और उनकी सभा में एक ही कौम की पगड़िया होती है तो दिख रहा है कि भाई यहाँ लोगों का हर कौम का सर्व समाज का बेटा है वैभव गहलोत, वो आम लोगों में दिख रहा है। गुलाब सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले सीएम गहलोत के साथ आप मंच पर दिखाई दिए, आपने संबोधन भी किया और उसके बाद में पूर्व प्रधान मोहम्मद सिंह जी के वहां पर भूमिया राजपूत समाज के लोगों के साथ आपने अशोक गहलोत के साथ मीटिंग की, उसमें ओम सिंह चांदराई आप थे, अशोक गहलोत थे, आपने बंद कमरे के अंदर मीटिंग भी की समाज के लोगों से भी, अशोक गहलोत ने 1-to-1 संवाद किया और आपकी यहाँ पे पकड़ भी है क्योंकि आपके दादाजी विधायक रहे हैं, आप यहाँ के दामाद हैं जालौर जिले से और भूमिया राजपूत समाज का बाहुल्य वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने आपको उतार कर भूमिया राजपूत साधने की कोशिश की। देखो गहलोत साहब जब गुजरात के प्रभारी रह चुके कांग्रेस पार्टी के, तब मैं वहाँ का युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, तब भी मुझे बहुत वहाँ पे उन्होंने राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ाने के लिए मदद की थी। उसके बाद एक टाइम आया जब समाज को और मुझे खुद को भी राजनीतिक तौर पे उनकी जरूरत थी, तब भी उन मेरे साथ खड़े रहे थे और राजनीति में आगे बढ़ाने में उन्होंने मुझे बहुत मदद की है। यहाँ भूमिया राजपूत समाज का एक बाहुल क्षेत्र कह सकते हैं कि इतने हर एक सीट के अंदर जिताने हराने के लिए इतने ज्यादा वोट है कि जिसको भी जिताना चाहे जिता सकते है। सालों से यहाँ राजपूत सभा हम राजपूत बीजेपी के साथ जुड़े हुए और हमेशा चुनाव में उनको वोट दे रहे, मगर सामने जिस पार्टी को वोट दे रहे उनके सामने कोई उनको कुछ जब चाहिए तब उनके साथ पार्टी बीजेपी खड़ी नहीं रह रही। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने यहाँ प्रेम सिंह दहिया को विधानसभा का टिकट दिया, ओम सिंह को विधानसभा का टिकट दिया, यहाँ सालों पहले भी एक पिनमाल में उससे पहले भी टिकट दिया हुआ है, जिला परिषद के अंदर रानीवाला से हरबत सिंह को भी उप प्रधान बनाया। यहाँ चार चार प्रधान बन सकते थे भूमिया राजपूत समाज के बीजेपी के, मगर कहीं मतलब एक भी जगह नहीं बनाया उन्होंने। तो जो समाज ने बीजेपी को यहाँ खड़ा करने में अहम रोल है तो उनको तो मतलब लेना सब उस समाज से, मगर देने की बारी आती तो मुंह फेर लेने वाले। उसके सामने कांग्रेस ने आज मुझे दो बार टिकट दिया है, गुजरात से यूथ कांग्रेस का गुजरात का अध्यक्ष बनाया, एनएसयूए का गुजरात का अध्यक्ष बनाया, यहाँ जालौर के अंदर ओम सिंह को प्रदेश महासचिव बनाया हुआ, गजेंद्र सिंह को एनएसयूए का अध्यक्ष बनाया हुआ है, या रानीवाला में उप प्रधान बनाया हुआ है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ने आज सबसे समाज के लीडर से भी मिला है, उन गहलोत साहब ने भी आश्वस्त किया है कि आने वाले समाज के लिए उज्जवल भविष्य होगा, राज के तौर पे जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। साथ में जिस समाज ने बीजेपी को खड़ा किया, कल भिनमार में रैली थी तो आम राजपूत समाज का कोई बंदा स्टेज के आसपास भी नहीं था और यहाँ तो खुद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री घर पे आते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और भरोसा दिलाते हैं और जिन लोगों ने जिस पे भरोसा रखा वहाँ कहीं स्टेज पे भी आसपास नहीं था, राजनीति तौर पे चर्चा में भी बीजेपी के अंदर नाम नहीं होता, तो आज तक इन लोगों ने राजपूत समाज को ठगा ही है। गुलाब सिंह जी, वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, नूमाराम चौधरी को सामने टिकट दिया है, आप इस फील्ड के अंदर दौरा कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, दोनों के बीच में किस तरह से मुकाबला देखते हो? देखो जब चुनाव आए तब भी बीजेपी वाले कह रहे थे हम 5 लाख से चुनाव जीतेंगे, जब वैभव गहलोत जी का टिकट हुआ तो कह रहे थे हम 1 लाख वोट से जीतेंगे और आज जब चुनाव चल रहा है तो कि टक्कर है
और जब 26 तारीख को पोलिंग गिरेगा तो वैभव जी का यहाँ भव्य विजय होगा, एक वैभव होगा उनका, और इस क्षेत्र के आने वाले विकास के लिए 5 साल वो उनको पूरी मेहनत करेंगे। आम लोगों को, आम जनता का क्या फायदा है, सर्व समाज के अंदर भाईचारा एकता बनी रहे, कोई कोमवाद नहीं होगा, ये सब माहौल देख के आज, क्योंकि अलग अलग समाज लोग आ रहे तो उससे ऐसे लग रहा है कि कोमवाद जो हो रहा है वो भी नाबूद होगा इस क्षेत्र से। आप बनासकांठा लोकसभा सीट से आते हैं, आप थराद से पूर्व विधायक रहे, आपके दादाजी भी विधायक रहे, बनासकांठा में इस वक्त कैसा माहौल है? वहां से गैनीबेन चुनाव लड़ रही है जो कि वाव की विधायक है, सामने रेखाबेन चौधरी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है, वहां पे कैसा माहौल है? बनास की बेन गैनीबेन, एक सूत्र है हमारे बनास का कि हमारी बहन है बनास की बहन गैनीबेन, आम जनता की है, गरीब परिवार से आती है, गरीब समाज से आती है, और वहाँ पे 36 कौम उसको चुनाव लड़ा रही है। देश की आजादी में हमने तो नहीं देखी कैसे लड़ाई लड़ी हुई होगी। कहते हैं कि गांधी जी जब दांडी यात्रा लेके चले तो उस टाइम के जितने भी नगर सेठ थे या धनाढ्य लोग थे उन्होंने अपने परिवार के जो तिजोरियों के दरवाजे खोल दिए थे गांधी बाबू के लिए कि जितना भी पैसा चाहिए देश की आजादी के लिए आप ले जाइए। उसी तरह इस बार हमारे बनासकांठा के अंदर बनासकांठा की जनता वहां आजादी चाहती है, कोमवाद से, व्यक्तिवाद से, जो बाहर के लोग ने हमारे जिले पे जो कब्जा करने की कोशिश की है उससे मुक्ति के लिए। तो आज गरीब परिवार का बंदा, जैसे उस टाइम टाटा और बिरला लोग देश की आजादी के लिए दे रहे थे उनका पैसा, और आज गरीब परिवार के लोग जो हमारे लिए टाटा और बिरला है आज के टाइम पे, वो गैनीबेन को 50 रुपये, 11 रुपये, 100 रुपये दे के चुनाव लड़ा रहे, वो बनासकांठा की आजादी के लिए लड़ा रहे, और कोई व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ रहा, 36 कौम चुनाव लड़ रही है। वहां भी जिस तरह से बार बार एक ही समुदाय से टिकट मिलना, और उससे भी ज्यादा वहां भी जो जो लोग इनको बीजेपी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहे उन लोगों ने चौधरी समाज का भी राजनीति खत्म कर दी। जितने भी बीजेपी के बड़े चौधरी समाज के जो राजनेता थे उनको सबको घर पर बिठा दिया, किसी को एमएलए की टिकट काट दी, किसी संस्कृत की टिकट काट दी, किसी को सहकार क्षेत्र में खत्म कर दिया, सिर्फ मैं अकेला आदमी बचूं, उस तरह के जो राजनीति वहां खड़ी की है उसकी वजह से चौधरी समाज हो, इतर समाज हो, ठाकुर समाज हो, सब लोग नाराज होके ऐतिहासिक वोटों से इस बार ज्ञानी चुनाव जीताएंगे वहां पे। ज्ञानी गुलाब भाई बहन ने जोड़ी कमाल कर से बनासकांठा में, एकला ज्ञानी गुलाब ने जोड़ी नहीं, आ वक्त समग्र जनता सर्व समाज ने जोड़ी, आ वक्त बनास ने बेन ज्ञानी बेन ने जीतारी ने संसद में मोकल से, जे रीते तानाशाही चाली रही छे, जे रीते जोहुकमी चाली रही छे, અને બનાસકાંઠાને જે રીતે બાનમાં લેવામાં આવે છે, સહકાર ક્ષેત્રની અંદર માત્ર માત્ર પોતાના સગા સંબંધીઓની ભરતી, બહારના ભાજપના જે હોદ્દેદારો જો બહાર કે લોકો જિનકા બનાસકાંઠા સે કોઈ લેના દેના નહીં, ઉનકી બનાસ બેંક મેં ભરતી હોતી, ઉનકી બનાસ ડેરી મેં ભરતી હોતી, બીજેપી કે બડે બડે લીડરો કો બનાસ ડેરી કે કોન્ટેક્ટ દિયે જાતે જિસકી વજહ સે વો કહે વહી બીજેપી મેં હો, ऐसे जो चाले चल रही है उससे आजादी दिलाने के लिए सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ज्ञानी बहन आएगी तो वहां के पानी के प्रश्न के लिए लड़ेगी, ज्ञानी बहन आएगी तो वहां के रेलवे के प्रश्न के लिए लड़ेगी, किसान हो, युवा हो, के रोजगार के लिए हर मुद्दे पर एक आक्रामक तौर पर लड़ने वाली महिला है, और महिला होते हुए भी इन पैसों इनके पास बनास डेयरी है, बनास बैंक है, और हमारे पास बनास की बहन गैनी बहन है जो आम जनता चुना लो, उनके पास तो पूरा कॉर्पोरेट क्षेत्र है और हमारे पास लोग है, और चुनाव होगा, एक ऐतिहासिक लीड गैनी बहन को बनासकांठा से मिलेगी, और ये जीत कोई एक समाज एक व्यक्ति की नहीं होगी, सर्व समाज की होगी। गुलाब सिंह जी, जब भी हम आपका संबोधन सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, तो आप शंकर चौधरी को लेकर काफी आक्रामक दिखाई देते हैं, और जब पूर्व में आप विधायक थे तो विधानसभा की पटल की बात करें या फिर सड़कों की बात करें आप सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, आपने कई बार उपवास भी किए थराद के लोगों के लिए, तो थराद के लोगों ने कहाँ कमी रख दी आपको विधानसभा में नहीं भेजा? देखो मैं चुनाव लड़ा मेरे तो समाज के वोट वहां पे 7,000 थे और सामने वाले कैंडिडेट के 70,000
वोट थे वहां पे, और मुझे 92,000 मुझे वोट मिले और उनको 1,15,000 के आसपास मिले। तो दूसरी कास्ट वहां पे इतना बड़ा जातिवाद खड़ा कर दिया गया था के ये डर का माहौल पैदा कर दिया था कि अगर ये बीजेपी के कैंडिडेट नहीं जीतेंगे तो बाद में कभी ये लोग नहीं जीतेंगे, ऐसा हमेशा के लिए गुलाब सिंह यादव सीट पे आ जाएंगे, इस तरह का एक डराव डर पैदा किया गया था। उन्होंने डेयरी के माध्यम से जितने भी लोग थे उनको पता चले कि ये आदमी लीडर है, थोड़ा सा 50-100 वोट उसके पास है, तो उन सबको डेयरी, उनके बेटों को डेयरियों में, कोई गरीब परिवार के लोगों को गरीब डेयरी में नौकरी की बात नहीं की, मगर जितने बड़े लोग थे उनके दरे हर एक के परिवार को डेयरी में नौकरी, नई डेयरिया जिसके पास डेयरी है उसको डेयरी बंद करने की धमकी, बैंक में नौकरी, जो भी लोभ लालच देने थे, जो मुद्दा मैंने उठाया था 97 ग्राम का पानी का सिंचाई का कैनाल के लिए, तो उन्होंने आके और जोर से झूठ बोल के मैं आएंगे तो ये कर देंगे करके लोगों के दिमाग में बिठाने का काम किया। एक बार वोट तो मिल जाते है, पहले राधनपुर लड़े, राधनपुर से वाव आए और वाव से वहां से अब थरा जाए और आने वाला समय में कहीं और जाएंगे, क्योंकि झूठे वादे लंबे समय तक चलते नहीं है। और मुझे तो लोगों ने जिताया हुआ ही वहां के लोगों ने, क्योंकि पैसा, पुलिस, सरकार, जातिवाद, इन सबके बावजूद भी अगर मेरे पास देने के लिए क्या था, एक सबसे प्यार भरा रिश्ता था, पारिवारिक रिश्ता था, हर एक घर से सबके सुख दुख में साथीदार था। मैंने चुनाव में भी कहा था जीतूंगा भी तब भी आपके बीच में रहूंगा, हारूंगा भी तब के आपके बीच में रहूंगा, और सामने वाले कैंडिडेट जीतेंगे भी नहीं मिलेंगे और हारेंगे तब भी नहीं मिलेंगे। आज वही हो रहा है, अब चुनाव आएंगे तो सब लोग आएंगे, मगर चुनाव के बाद मिलने के लिए भी 5,000 रुपये का डीजल खर्च करके गांधीनगर तक सब लोगों को जाना पड़ता है। गुलाब सिंह, कई जो आपके साथी एमएलए थे वो जीते हैं तो उनकी चर्चा नहीं है, लेकिन आपके हार की चर्चा पूरे गुजरात और राजस्थान में। देखो, मैं विधानसभा में था तो हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा लड़ा था, हमेशा बात की थी कि एरिया में विकास के लिए जो भी काम करना हो किया था। आज तक जितनी मेरे टाइम पे सड़कें बनी कभी नहीं बनी, उतनी सड़कें लेके आए थे। नर्मदा की कैनाल की जो रिपेयरिंग काम है 200 करोड़ के आसपास हमारे टाइम पे मजदूर, मतलब विपक्ष के एमएलए होने के बावजूद भी हमारे यहाँ के एरिया के काम हो, देखिए दूसरे काम हो। कोरोना टाइम था जब कोई सगा भाई भी सगे भाई के साथ हॉस्पिटल में खड़ा नहीं रहता, उस टाइम सबके साथ खड़ा मैं रहा था, उनके हाथ पकड़ के ऑक्सीजन तो लेके लाए थे मगर हाथ पकड़ के उनके साथ खड़ा था कि हम आपके साथ है, और कोई नहीं था तब हम थे लोगों के साथ। ये बीजेपी के पास बनास डेयरी थी, बनास की मेडिकल कॉलेज थी, मगर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं पहुंचाए थे। जब कोरोना खत्म हुआ तब वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके, जब कोई लेने वाला नहीं था तब 5-5 ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आए, मगर जब जरूरत थी तो पता नहीं सब लोग अपने आप को कोरोना घोषित करके घर में छुप गए थे, तब हम लोगों के साथ थे, इसलिए लोगों को पता था, इसलिए हजारों की संख्या, मतलब लोग हमें समर्थन करने तब भी आए, और आने वाले समय में जहां भी लड़ेंगे दमखम से लड़ेंगे। आज ज्ञानी बेन लड़ रही है तो ज्ञानी बेन नहीं, हम खुद लड़ रहे उस हिसाब से मेहनत करेंगे। और हमारा राजपूत समाज का तो राजधर्म है कि जो लोगों ने हमें मदद की है समय आने पर उनको ब्याज सहित देने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है, और हमारे साथ जो खड़े रहे उनके साथ हम खड़े रहते हैं। और इस चुनाव के अंदर, लोकसभा के अंदर वो भी रिजल्ट आएगा तब ख्याल आएगा कि भाई क्यों हमारे साथ लोग रहते हैं, और पैसा, सत्ता, पुलिस उसके सामने भी हमारे साथ संघर्ष, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मगर जिनके पास सब कुछ देने के पास है उनके पास लोग नहीं है, और हमारे पास कुछ नहीं है तो लोगों का प्यार हमारे साथ है। गुलाब सिंह जी, जब से आपके विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसके बाद में लगातार आपकी डिमांड जालौर जिले में बढ़ रही है। गत विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर अब लोकसभा चुनाव की बात करें, लगातार स्थानीय कांग्रेस के नेता बड़े नेताओं को यही कहते हैं कि गुलाब सिंह की रैली हमारे क्षेत्र में मतलब की जाए, ऐसा क्यों? वो आप सबका, मतलब जालौर लोकसभा के लोगों का स्नेह है, समाज का स्नेह है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्नेह है कि भाई
हम जो भी बोलते हैं स्टेज पे खुला ही बोलते हैं, कोई गोल गोल बात नहीं करते हैं। हमारी लड़ाई क्लियर होती है, हमारा टारगेट भी क्लियर होता है कि भाई इनको हमें मदद करनी है तो फिर करनी है, और दिखावा कुछ और करना करना कुछ और हमारे में आता नहीं है। इसलिए शायद यहाँ के कांग्रेस के नेता भी और समाज के लोग भी हमेशा यहाँ पे बुलाते रहते हैं। रिश्तेदारियाँ यहाँ पे है, आप सबका यहाँ पे प्यार, और ज़्यादातर आपका धन्यवाद देता हूँ कि जब भी आते हैं तो आप हमारे साथ ये कहीं ना कहीं मीडिया के बंधु भी मिलते हैं तो लोगों को बताते रहते हैं, इसलिए ज्यादा आना होता है यहाँ पे। गुलाब सिंह जी, चर्चा इस बात की राजनीति के अंदर, राजनीतिक गलियारों के अंदर, कि गुलाब सिंह ने राजस्थान और गुजरात के अंदर एक बड़ी टीम खड़ी कर दी है। आप एनएसयूएम में थे उस वक्त की बात करें या फिर यूथ कांग्रेस की बात करें, आपने दोनों स्टेटों के अंदर अपनी खुद की टीम तैयार कर रखी है। तो लोग ये कहते हैं गुलाब सिंह को थरात का नेता नहीं समझे, ऑल ओवर दो राज्यों का नेता समझे, जालौर लोकसभा और बनासकांठा लोकसभा के क्षेत्र में ज्यादातर इलाकों में मैं घुमा हूँ। और राजस्थान में तो मैंने राजनीति की शुरुआत में एनएसयूआई का मैं राजस्थान का प्रभारी भी रहा हूँ, तो पूरे राजस्थान के अंदर मैंने कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ कार्य संगठन का काम ना किया हो। छात्र संघ चुनाव पूरे देश में जबरदस्त राजस्थान में होते हैं, तो वो भी मैंने करीब से देखा है। हर एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूरे राजस्थान के लोग आते हैं, जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूरे मारवाड़ के लोग आते हैं, तो दोनों यूनिवर्सिटियों में रहा, जब काम किया है तो लोग मिले, कार्यकर्ता मिले, सामाजिक बंधु मिले, तो उस वजह से पूरे राजस्थान में खासकर जालौर में तो एक पारिवारिक रिश्ता है, आना जाना ज़्यादा रहता है। तो टीम तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे टीम तो बढ़ती जाएगी। जब संगठन में काम किया, फिर एमएलए बना, एमएलए के बनने के बाद भी यहाँ पे सामाजिक काम करने के लिए, राजनीतिक काम करने के लिए आता रहा हूँ, और आने वाले समय में भी और मजबूती से राजस्थान से अच्छा रिश्ता बने। और बनासकांठा और झालौर तो अड़ोसी पड़ोसी है, तो सुख दुख में सब एक दूसरे के साथीदार है। जब हमारे जरूरत पड़ती है तो पूरा राजस्थान हमारे लिए खड़ा होता है, और जब राजस्थान में किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे, एक कमिटमेंट के साथ हम काम करते हैं। गुलाब सिंह जी गुजरात की विधानसभा में कब दिखाई देंगे? जब गुजरात के लोग चाहेंगे तब वापस आएंगे। 5 साल के बाद में या फिर 3-4 महीने के बाद? लोगों ने मुझे एक मैंडेट दिया है 2027 तक का मेरी थराद के लोगों के सुख दुख में रहने के लिए, बिना विधानसभा में जाए बिना। और मैं 27 तक संघर्ष करके अपने जो मेरे साथ खड़े रहे उनके साथ खड़ा रहने के लिए, जब थराद के लोगों ने जो फैसला किया मैं उनका सम्मान करूंगा, और बाकी कब जाना नहीं जाना वो तो जनता तय करेगी, किस्मत काम करेगी। अपने कर्म किया जाओ, जब फल मिलना होगा तो मिलेगा। अंतिम सवाल, सब आपके समर्थक हैं, विशेष करके आपके समर्थक, उनको इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? गुलाब सिंह का क्या संदेश है लोकसभा चुनाव को लेकर जालौर, सिरोही और बनासकांठा के लोगों का? मैं जालौर, सिरोही और बनासकांठा के लोगों को इतनी विनती आपके माध्यम से करूंगा कि इस चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ पे है, और दोनों क्षेत्र में हमें कहाँ जाना है, आने वाले भविष्य कैसा अपना बनाना है वो तय करेगा, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे भी। क्योंकि राजनीति में अगर हम कहीं सफल होंगे तभी एजुकेशन में सफल होंगे, बिजनेस में सफल होंगे या राजनीति में होंगे, तो ये चुनाव इस मोड़ पे है। और राजस्थान और बनासकांठा के सभी समाज के बंधुओं को, सर्व समाज को इतनी विनती करता हूँ कि आप ये चुनाव व्यक्तिगत जो आपके कैंडिडेट है उनको देख के, कौन काम करेगा, कौन समाज के लिए उपयोगी होगा, कौन भाईचारा बना के रखेगा, कौन आगे वाले भविष्य में मदद करेगा, उनको देख के वोट करना चाहिए। और मैं दोनों लोकसभा क्षेत्र जालौर और बनासकांठा के वासियों को इतने अनुरोध करता हूँ कि दोनों जगह पे, बनासकांठा में बनास की बहन ज्ञानीबेन ठाकुर को मदद कीजिए, और राजस्थान में वैभव गहलोत जी को उज्जवल भविष्य के लिए पूरा वैभव मिले, जालौर के विकास क्षेत्र में खूब बहुत प्रगति हो उसके लिए आप यहाँ पे वैभव गहलोत जी कांग्रेस पार्टी को, और बनासकांठा में बनास की बहन ज्ञानीबेन ठाकुर को मदद करने के लिए आपके माध्यम से सभी आपके
जो आपके फैन फॉलोइंग है, आपके जो आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक मैसेज जाता है, तो आपके माध्यम से कहता हूँ दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत विजय बनाने के लिए 26 तारीख को जालौर में और 7 तारीख को बनासकांठा के लिए कांग्रेस पार्टी को मतदान कीजिए। धन्यवाद। तो ये थे गुलाब सिंह परमार, जो कि थराद के पूर्व विधायक हैं। उन्होंने हमारे सवालों के विवाद तरीके से जवाब भी दिए, इशारों में बहुत बड़ी बातें भी उन्होंने कही हैं। गहलोत जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने गुलाब सिंह को यहाँ पे लगाया है जालौर सुरू संसदीय सीट पर। यहाँ पर गुलाब सिंह जिस समाज से ताल्लुकात रखते हैं उनके बाहुल्य वोट बैंक भी है, तो उनको साधने के लिए गुलाब सिंह को भेजा है। और गुलाब सिंह लगातार 1-to-1 संवाद भी कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इनके समाज के लोग किस तरह से कांग्रेस पार्टी में वोट देवे उनको लेकर गुलाब सिंह रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। सहयोगी रजब के साथ रविंद्र सिंह उमट, जालौर।